कुम्हार जिला के तरियानी प्रखंड के बिलहिया पंचायत सरपतपुर गांव में 32 लड़कियां एवं महिलाएं सिलाई सीखने के लिए ललायत थी, लेकिन यहां पर सिलाई सेंटर नहीं खुल रहा था। तो क्या तुमको सीखने का मतलब मन है कि सिलाई सीखेंगे? हाँ मन है। क्यों? अपना हाथ में हुनर रहेगा तो कुछ अपने भी खर्च कर सकते हैं, मम्मी पर भी कुछ पैसा भी बचा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सेंटर खुलवाना चाहती हैं? खुल जाते तो और बढ़िया होता कि लोग क्यों लड़की से सीख लेता, कोई जनानी के भी सीखे तो मिलता सीख लेना। आप क्यों सीखना चाहती हैं? सीख ले थे कोई जो अपना अपना घर में बढ़िया रहला सीख ले लगता। अभी कहाँ कपड़ा सिलवाते हैं? घर में कोई सीता है या दूसरे जगह? हमारा से कहाँ से दर्जी को ले जाए। लेकिन इसी बीच मैं इसके बदलाव की प्रक्रिया में लग गई, जिसमें काजल कुमारी के साथ साथ समुदाय के पूरा कहानी बताई गई है। यहाँ पर कौन सी समस्या था पहले? समस्या तो यह रहा कैसे लड़का अथी सेंटर खुलती तो लड़का से सीखती आई। कथी के सेंटर? कपड़ा सिलाई के। हाँ तब सीख गई तब तो। कैसे खुला सेंटर? अभी तो फोटो उटो ले गई थी, अभी फोटो लेके तरियानी गई थी। सिलाई सेंटर हम लोग खोलना चाहते थे और यहाँ का लोग सीखना भी चाहते थे, पर हो नहीं पा रहा था। बहुत आदमी आई और पैसा भी लेकर चल गई खुलवाएंगे। बहुत आदमी बहुत दिन से सोच रहा था लेकिन नहीं हुआ। फिर आप आए, उसके बाद हम लोगों को आप राह दिखाए ले गए शिवहर। शिवहर गए 3 जनवरी को हम गए थे, तो फिर जिला में गए, वहाँ ऑफिस में बात उत हुई, दीदी हमारी मदद की और 19 जनवरी को खुल गए। यहाँ क्या करते हैं? सिलाई मशीन सीखते हैं। किनके सहयोग से सिलाई सेंटर खुला है? आपके सहयोग से। तो इससे आप लोग को फायदा है? हाँ बहुत फायदा है। क्या फायदा है? क्या है, लूट भी आ जाता है। ऐसे तो जाते हैं सीखने तो पैसा पूसा ले लेते हैं दूसरा जगह, यहाँ तो फ्री में ऐसे सीखता है, पैसा उसा नहीं लेते हैं। इस बदलाव से पता चलता है कि हर समुदाय के साथ हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। जैसे कि सरबतपुर गांव में सिलाई सेंटर खुलाया गया और 32 लड़कियां एवं महिलाओं को सिलाई सेंटर सिखाया गया। मैं रीता, जिला शिवहर, बिहार से, इंडिया अनहर के लिए।